हेलो दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारे पास ब्लाउज है जो कि लहंगा वाला ब्लाउज है। अब इसे हम पफ वाला कैसे बनाएं, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करके बताएंगे कि किस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। बस आपको वीडियो देखते रहना है। सबसे पहले तो नाप देख लें इसका, कितना कितना नाप है देख सकते हैं गाइस। नाप तो काफ़ी छोटा है और ब्लाउज काफ़ी हैवी है और बड़े साइज़ का है। देख सकते हैं अगर इस तरीके से बनाएंगे तो जो कटोरी वाला जो साइड वाले जो पड़ते हैं ये तो बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे, लेकिन हम इन्हें इसी के नाप के अनुसार काटेंगे। तो कैसे काटेंगे तो बस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, आपको सारा कुछ हम इसमें समझा देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे अलग कर लेना है और सबसे पहले हमें काटना है इसका अस्तर, क्योंकि अस्तर में ही हम ब्लाउज को निकाल सकते हैं सही। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका नाप ले लेना है। गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं इसकी लंबाई देख लेनी, लंबाई कितनी है इसकी, ब्लाउज की लंबाई है 13.5 लंबाई है इसकी। और इसकी कमर कितनी है, कमर तो इसकी बहुत ही पतली है भाई, इतनी पतली कमर से कैसे काम चलेगा। कमर इसकी 12.5 और इसका सीना है 16 के समथिंग होगा, 16 सीना है तो 12.5 16 लंबाई 13.5 है। गला डिजाइन के अनुसार कट जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले मैं अस्तर को इस तरीके से रखना है। ऐसे करके अस्तर को बिल्कुल सही से सेट कर लें। गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। सीना कितना है इसका, 16, यानी कि 8 × 32 है सीना। 16 है तो हमें 10.5 प्यार काटना है। तो सबसे पहले लंबाई कितनी है इसकी, 13.5 है, 13.5 की हम 15 काट लेंगे, इतना ऊपर दबाव के लिए हो जाएगा। ये दबाव के लिए हो गया और यहाँ पे हमें रखना है 5.5, इस तरीके से 5.5 रखेंगे, क्योंकि जो इसकी कढ़ाई है कढ़ाई चौड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हमें 5.5 यहाँ पे रखना है और यहाँ पे रख लेना है 2.25। और यहाँ पर हमें 5.25 रखना है। यहाँ पर 5.25 पे एक निशान लगा लेना है, क्योंकि जिसका सीना 32 हो तो उसका 5.25 और जिसका 36 हो उसका 5.5 और इससे ज़्यादा हो जैसे कि 40 हो तो हम फिर 6 रखते हैं। तो इस तरीके से हमें 5.25 से हमें सीना की फिटिंग रखनी है। इस तरीके से सीना की फिटिंग हो गई, प्लस इतना हमें मार्जिन चाहिए 2.5 इंच का। गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा ये अगर आप इसे अच्छे से देखते हैं। तो इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। गाइस अगर आपको कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट का भली बात उत्तर देंगे। इस तरीके से नीचे ऊपर बराबर काट लेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से काटना है। इस तरीके से हमने इसे काट लिया है। आगे का गला जब काटेंगे, जब हम इसकी डिजाइन के अनुसार आगे का गला काटेंगे, तो हम दोनों पर आगे के निकाल लेते हैं, आगे पीछे के अलग अलग कर लेते हैं इस तरीके से। तो गाइस इस तरीके से हम यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं, जो हमें गला अच्छे से समझ में आए कि हमारा गला यहाँ पर है।
तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कटोरी वाली, कटोरी हमारी कहाँ पे लगेंगी इसका हमें निशान लगा लेना है। इस तरीके से हमें देख लेना है कटोरी हमारी कहाँ पर रहेगी। बीच वाला केंद्र आप 8.5 से 9 पर रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर 9 पर एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी कटोरी का निशान हो गया 9 पर, और उसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच बीचा बीच है हमारी, तो हमें इस तरीके से काटना है। कटोरी का निशान हमारा हो गया 9 पर, और यहाँ पे हमें रखना है 3.5। इसका सीना छोटा है तो हमें इस हिसाब से 6.5 से 3.25 रख लेना है। इस तरीके से हमारी कटोरी की कटिंग होगी। यहाँ पर 2.5 पे लगा लेते हैं 1 इंच, मतलब यहाँ पर 3.25 है तो यहाँ पर हम 2.5 कर लेंगे। वैसे अगर हैवी ब्लाउज होता है तो हमें यहाँ पे 3.5 रखनी है और यहाँ पर हमें 3 रखनी होती है, तो अब हमें यहाँ से ऐसे करके कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से, इस तरीके से कटिंग करनी है हमें। बस देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कटोरी की कटिंग की जाती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसे निकाल देना है। तरीके से कर लेनी। अब मैं ये क्यों की है इसकी भी एक बजाय वो हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में कि ये हमने यहाँ पे बीच बीच में क्यों कट किए हैं। तो चलिए अब हम इसे अलग करते हैं, अब हम इसे रखते हैं। गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, आपको इजीली कटिंग बहुत ही अच्छे से हम बता रहे हैं। ध्यान रखें कढ़ाई ऊपर नीचे बराबर होनी चाहिए, कढ़ाई कम ज़्यादा होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी हमारी कटिंग। नीचे की कढ़ाई सही से मिला लें, उसके बाद सबसे पहले हमें ये वाला हिस्सा काट लेना है। इस तरीके से कटिंग कर लेनी है इसकी, हल्का सा दबाने के लिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन काट रहे हैं। जी हमारा एक फ्रंट हो गया, तो हमें क्या करना है यहाँ से गाइस, जी हमारा एक पोर्शन हो गया है आगे वाला। अब हमें क्या करना है, ये कटोरियाँ इन्हें निकाल लेना है। इन्हें इस तरीके से रख के वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, और इन्हें रख के इस तरीके से तो गाइस ये मेरा फ्रंट का हिस्सा एकदम कंप्लीटली कट गया है, देख सकते हैं।
वैसे अगर हम काटते तो काटने में प्रॉब्लम होती, लेकिन इस तरीके से काटा तो अच्छे से कटिंग इसकी हो गई है। आगे का हिस्सा हो गया है, अब हमें पीछे का भी निकाल लेना है। अब हमें पीछे का हिस्सा इसी तरीके से काट लेना है। नीचे ऊपर कढ़ाई देख लें अच्छे से, ध्यान से, कढ़ाई तिरछी बिरछी हो गई तो फिर सब प्रॉब्लम हो जाएगी। गाइस कुछ इस तरीके से अब हमें इसको रख लेना है। और इस तरीके से इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। गाइस उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी माताएं बहनें भाई वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो ये हमारा पीछे का पोर्शन भी कट गया है, और ये आगे का भी पोर्शन फाइनली कट चुका है, देख सकते हैं। देख सकते हैं ये हमारा ये सारा कुछ कटिंग कम्प्लीटली कट गई है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। बाजू काटना बहुत ही सिंपल है, हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियो हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।